सारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जिन्हें भी मंचा तुम रीप्रजेंट करते हो, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है। जलंधर दे विच अज साड़ी यह इतिहासक कैबिनेट जी है जलंधर च हुई है। इस तो पिछली कैबिनेट लुधियाने च हुई सी। असी फैसला किया सीगा कि कैबिनेट जी है वो पूरे पंजाब दे विच जगह जगह जाके असी उत्थे मीटिंग करांगे। कैबिनेट दे सारे मिनिस्टर साहबान, उन्होंने सारे ऑफिसर साहबान जाएंगे और कैबिनेट तो बाद सारे मंत्री साहबान वो अपने अपने डिपार्टमेंट के जिहड़े सैकटरी जॉइंट सैकटरी ऑफिसर लैके पब्लिक के नाल बैठेंगे तो उन्होंने समस्यावान सुनगे, मौके पर हल होंगे। जे कुछ मौके पर हल होने वाले नहीं भी है कोई कागज़ पत्र की कमी है तो उन्होंने गाइड करेंगे। यदा असी टाइटल दिता सरकार तुहाडे द्वार, सो सरकार तुहाडे द्वार लड़ी के तहत अज जलंधर की बारी। जलंधर के लोगों ने जो फतवा दिता वो इन्ना हौसला अफजाई करने वाला है और इन्ना ज़्यादा जानी कि सरकार लई, पंजाब सरकार लई, खास तौर पर मेरे लिए परसनल भी, क्योंकि मैं परसनल अपने बेनती की लोगों को कि मेरा हौसला बहुत बढ़ जूगा जो तुम जलंधर तो साढ़े मैंबर पार्लीमेंट में चुन के भेजोगे तो असं दुगने तिगने चौगने हौसले ना काम करांगे। सो अज जलंधर वासियों का धन्यवाद करन भी आए हैं। मेरे नाल न्यूली इलैक्टड मैंबर पार्लीमेंट सुशील कुमार रिंकू जी भी मौजूद ने और भारत की 543 लोगों की जी सब तो बड़ी पंचायत गिनी जाती है वो जलंधर हल्के यह प्रतिनिधता देंगे और नवी पार्लीमेंट शायद उदों तक शुरू हो जूगी जो तक मानसून सैशन होना। तो पार्लीमेंट भी नवी, बंदा भी नवा, तो विचार भी नवे, पार्टी भी नवी, सोच भी नवी। अज कैबिनेट के जो फैसले हुए ने मैं उन्होंने बारे तुम थोड़ा वेरवे दे देना। आबकारी विभाग के एक्साइज के 18 नवी पोस्टा जिहड़ियां वो क्रिएट करन नूं प्रवानगी मिली है क्योंकि आबकारी विभाग के बहुत सारा अमला हैगा पर आबकारी विभाग का पिछले दिन जो मुनाफे च वाधा होया, रेवेन्यू च वाधा होया, उहदे लई सानूं स्टाफ की होर लोड है। सो 18 असामियां नवीं क्रिएट कीतियां जाणगियां जिहड़ियां कि आबकारी विभाग च काम करनगियां। एक होर वड्डा फैसला होया सरकारी आयुर्वैदिक कॉलेज पटियाला, सरकारी आयुर्वैदिक हॉस्पिटल पटियाला, सरकारी आयुर्वैदिक फार्मेसी पटियाला जी है एक गुरु रविदास आयुर्वैदिक यूनिवर्सिटी होशियारपुर सौंपण का फैसला किया गया यानी कि मर्ज हो जाएंगे। सो जी श्री गुरु रविदास आयुर्वैदिक यूनिवर्सिटी होशियारपुर है वो जोड़ा सरकारी आयुर्वैदिक कॉलेज पटियाला, सरकारी आयुर्वैदिक हॉस्पिटल और आयुर्वैदिक फार्मेसी का जोड़ा हॉस्पिटल है वो सारे वो अंडर चलेंगे होशियारपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंडर, ताकि आयुर्वैद जो कि भारत की बहुत पुरातन जी इलाज की विधि है वो नवे नवे तजर्बे हो सकन ते लोगों असी पुरातन विधियां वल ले जा के, मैं नहीं कहता कि एलोपैथी कोई गलत चीज़ है पर हर एक इलाज की विधि का अपना अपना स्थान है। जो मैं बतौर एम पी सीगा उदों भी मैं आयुष मिनिस्टर नूं मिल के एक होम्योपैथी कॉलेज बारे संगरूर दे विच हाँ करवा ली सी पर समय सिर सानूं पंजाब सरकार ने कैप्टन साहब ने उदों लैटर वगैरह नहीं डीओ लैटर दिते सरकार वालों प्रवानगी दी वो रह गया सी। सो हुण असीं ये जिहड़ी होशियारपुर वाली यूनिवर्सिटी वालों असीं सौंप के नवें नवें आयुर्वेद नाल रिलेटड खोजा जां जिहड़ी पढ़ाई है जिहड़ी वो करवावां। एक होर बहुत वड्डा फैसला होया पंजाब दे विच माल पटवारी जिहड़े ने उन्हां दी ट्रेनिंग दे विच बहुत टाइम लग जांदा सी, उन्हां नूं 1.5 साल हुंदा सी पहलां 1.5 साल हुंदा सीगा ते 1.5 साल जिहड़ा उहनां दे प्रोवेशन पीरियड दे विच गिणिया भी नहीं जांदा सी, वो सिर्फ ट्रेनिंग के तौर पर मान लिया जाता जिस दिन वो 1.5 साल तो बाद ट्रेनिंग करके आते हैं उस दिन उन्होंने पहला दिन गिना जाता। सो असी ये फैसले जोड़े ने ये बदल के असी उन्होंने ट्रेनिंग का समा 1 साल करता पर वो 1 साल भी उन्होंने प्रवेशन पीरियड से गिणा जाऊगा जिस दिन वो ट्रेनिंग पर जाएंगे मतलब वो नौकरी पर जाएंगे मतलब उन्होंने सेवा दे सर्विस के मनिया जाऊगा। उस दिन माल पटवारी जो पंजाब के आने वाले दिन भर्ती होंगे उन्होंने ये रिलैक्सेशन दी गई है कि वो 1 साल की ट्रेनिंग सिर्फ वो ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है क्योंकि जिहड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जिहड़ा रिकॉर्ड है वो बहुत लिखती पढ़ती है एक छोटा जा भी है मतलब कन्ने बिंदी टिप्पी की मिसटेक भी कई बार बहुत बड़े बड़े फर्दों के फर्क पा देती है। सो इस करके वो ट्रेनिंग जरूरी है, वो ट्रेनिंग का मतलब यह है कि वो इस वे जिस वे ट्रेनिंग ले रहे हैं उस वे अपनी जॉब कर रहे हैं काम कर रहे हैं।
एक होर वड्डा फैसला है, पेंडू विकास के पंचायत विभाग तो पशु पालन विभाग को वापस जिहड़े मिले सीगे 582 वैटनरी होस्पिटल उहदे विच बतौर सर्विस प्रोवाइडर 497 सफाई सेवक जिहड़े ने वो काम करते हैं। तुसीं देख लो ये किस तरह मतलब सरकार वल्लों अणगौला होया सी कि 497 चों कुछ जिहड़े ने मिनीमम वेज लै रहे ने, जिन्नी बनती है कि इन्नी तो घट तुसीं तनखाह दे नहीं सकते, पर कुछ बंदे इहो जिहे ने जिन्हां नूं मिनीमम वेज तो भी घट दे रहे ने। कम सेम है, होस्पिटल सेम डिपार्टमेंट के अंडर है, 6000 रुपये दे रहे हैं। तो असी यह किया हूँ दो फैसले, एक तो उन्होंने एक साल का जोड़ा वादा कर दिता गया उन्होंने सेवावान च एक साल एक्सटेंड कर दिते गए। नंबर दो पे जिन्हें भी 497 उन्होंने एको जी तनखा मिलेगी, कोई यही है कि वह कोई 6000 से कम कर रहा है तो उस नाल के पिंड बिल्कुल सेम काम करने वाला 12000 ज जिन्ना भी मिनीमम वेज लै रहे, जिनी बाकियों मिलती उन्नी मिलेगी सफाई कर्मचारियों के हक के पक्ष के फैसला अज हो। एक होर बहुत बड़ा फैसला मैं पिछली कैबिनेट के दौरान वादा किया कि असी PAU के जोड़े मास्टर केडर के साइंटिस्ट से उन्होंने असी UGC अनुसार जोड़ा सोधे हुए तनखा स्केल जोड़े से दिते सी। ते उस तो बाद मैं कहा कि नैक्सट टर्न के गढ़वासू की वारी है, गुरु अंगद देव वैटनरी एंड एनिमल सैंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना वो अध्यापन अमले के इसके बराबर काडर के जानि कि मास्टर ज मास्टर काडर के बराबर के जिन्हें भी इंपलाइज ने गढ़वासू के गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी जी पशु पालन विभाग की है लुधियाना के, उन्होंने UGC के अनुसार सोधे हुए जोड़े तनखा स्केल ने वो लै गए, उन्होंने भी टीचर ज मास्टर के तौर पर। नैक्सट जी मैं फिर वादा कर लाँगा एक होर नैक्सट बारी जी PTU की वह असी देखें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता कागज़ी कार्रवाइया। सो अच्छ गढ़वासू जिन्हें भी मास्टर केडर के ज मास्टर अध्यापन अमले के जिन्हें स्टाफ ने उन्होंने असी UGC के सोधे हुए स्केलों के मुताबिक असी तनखा देंगे। एक हैगा जी मानसा जिले के गोबिंदपुरा जमीन अक्वायर हुई सी पावर वास्ते बिजली बनाने वास्ते, पर वो काफ़ी समय तो कोई गल बनी नहीं, सरकार ने अणगौलिया करता। तो असी वो जी जमीन है उत्थे सोलर ते रीन्यूअल एनर्जी वास्ते असी मंजूरी दी है, क्योंकि एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज आ गए हूँ, बायोमास एनर्जी भी आ गई, CNG भी आ गई, सोलर भी आ गया, होर बहुत किस्म की एनर्जी जी है वो अजकल मॉडर्न जमाने मुताबिक आ गई। सो वो जी जमीन है उत्थे रीन्यूअल एनर्जी वास्ते प्लांट लाया जाऊगा, ताकि पंजाब जोड़ा वो हर किस्म की एनर्जी अपकमिंग जो आने वाले दिनों फ्यूल जो आने वाले दिनों के जो समय के हानि बन सकी जो सानू चाहिए असी करें। 95 हूँ आज जलंधर पर हजे 100 नहीं चक्की, 100 चक लाँगे कोई गल नहीं, पर लोगों ने जो फतवा दिता है उन्होंने असी लागू करन जा रहे हैं, लोगों उम्मीदों मुताबिक आसा मुताबिक जो उम्मीदा आसा लेके लोगों ने वोटा पाई। 95,16,00,000 रुपया अज म्यूनसिपल कमिश्नर जलंधर नूं ट्रांसफर कर दिता गया है, जलंधर शहर नूं चमकाउण लई, भावें वह कोई सड़कां ने, भावें स्ट्रीट लाइटां ने, भावें सीवरेज है, भावें कोई सड़क नवीं बनाउणी है, भावें कूड़े दे ढेरां नूं ठीक करना है। सो पहली किश्त जिहड़ी है 100 चुकण तों पहले MP दे 100 चुकण तों पहले ही असीं पहली किश्त 95,16,00,000 दी जलंधर शहर वास्ते जारी करती। इहदी डिटेल जिहड़ी तुहानूं बाद च मिल जाऊगी कि किहड़े किहड़े कम्मां लई किन्ने किन्ने पैसे रखे गए ने, इह अग्गे MP साहब दा कम्म है कि इन्हों के किड़े इलाकों चुके कि मंग पत्र आए तो वह प्रियोरिटी से उन्होंने कामों कराने ताकि जलंधर में आप चमका जो वादा किया लोगों ने वो पूरा कर सके। एक होर बहुत व्डा वादा सी, वादा भी व्डा सी समस्या भी बड़ी सी, आदमपुर वाली सड़क मेरे को मिलना आए कहते जी असी आदमपुर सड़क संघर्ष कमेटी है, सड़क संघर्ष कमेटी मतलब किदा उन्होंने दसिया मैनू कहते जी साढ़े तो हाईवे लंघता, हाईवे लंघन करके साडा शहर तो बन जाना सी स्वर्ग, हाईवे शहर के बिच ही लंघता, कहिंदा असी बन गए उस हाईवे करके नरक। मैं काफ़ी देर पहला भी गल की सी NHAI नाल गडकरी साहब नाल हुई सी, वो ठेकेदार भज गया जी वो जिहड़ा ओवरब्रिज वाला, तुसीं देखोगे आदमपुर भी लंघोगे सरिए देखते हैं बुरजियां देखते हैं सरिए देखते बस थले वाली सड़क भी टुट गई उपर वाली तो बनी ही नहीं। सो मैं रोड शो ते गया, मैं उत्थे कहा
नतीजा जो मर्जी हो उस बेटे कुछ मौजूद सिमें नतीजा जो मर्जी हो मैं नहीं कहता कि नतीजा जो साढ़े हक जगह तैयू करा ना पंजाब सरकार वालों साड़ा फर्ज बनता नतीजा जो मर्जी हो सड़क जी असी बनाई मेरी जिम्मेवारी है तो मैं वो जिम्मेवारी निभाते हुए अज आदमपुर वाली सड़क का बनाने का काम चला लगे हैं तो महीने डेढ़ महीने जिन्ना भी टाइम पीरियड सितंबर सितंबर तो पहला पहला असी वह कंप्लीट कर देंगे जी सड़क आदमपुर वाली एक सड़क होर है नकोदर तो गुराया जां इधरों कह लो गुराया तो नकोदर बाया जंडियाला बंडाला वो सड़क बारे भी मैं बोलिया और मैं उत्थे ये बोलिया हुआ कि मैं जो कर सकता मैं उही कहना जो मैं नहीं कर सकता मैं कहना नहीं वो सड़क बारे भी मैं अधिकारियों को कहा तो बेनू जी उस सड़क का जिहड़ा वर्कआउट कर शुरू कर दोबारा आने वाले दिनों के क्योंकि उस भी ठेकेदार भज गया पहला रोड़ा पाया हुआ सो जो क्योंकि स्टेट नाल रिलेटेड है तो असी वो सड़क भी जी है वह बनाई वह भी प्रोसैस जोड़ा वो चालू करता गुराया जंडियाला रोड है 17.46 किलोमीटर है सो इनू असी सितंबर 2023 तो पहला पहला कंप्लीट करता यदा मतलब असी जे मैं इन्ने अंकड़े दे रहा ना 17.46 यदा मतलब मैं होमवर्क करके आया मैं नहीं कहता भी 18 किलोमीटर है सो जो जो वादे किए थे लोगों नाल निभाने अज भी बैठा उत्थे जाके जदों जो लोगों ने इतने दसिया सानू जलंधर जलंधर तो बाहर लोग भी आएंगे जिन्हों का पंजाब पद्धर की जुनियां भी सानू मिली इतने तो असं सारे जो वादे किए पूरे करांगे क्योंकि जलंधर के लोगों ने जो हौसला बढ़ाया उसकी किसी करंसी कोई कीमत नहीं सानू काम करने उन्होंने प्रेरिया तो असी प्रेरणा लेने लवेंगे तो सब तो वड्डी गल यह है कि बटन एक दबे मूँह बहुत बंद हो गए ठीक है ना तो इन्ह कैमर राही पता नहीं की दिखाया तुम्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तीन चार होंगे सी गाला कल मैनू होंगे सी मैं तो कहता सी तुम कोई कर लो सांझी है ना गाला तो उही देनी मैनू ही देनी सो जो मेरे विरुद्ध जां निजी मेरे कलीग्स के विरुद्ध जो बोलिया गया उन्होंने जवाब दिता लोगों ने जलंधर ने और बहुत अच्छा जवाब दिता अज उन्होंने कोले कोई लफज नहीं जदों ऐनकां काली ऐनकां ला के बाइट देने लग जाण इहदा मतलब किसी गल्लों काणे ने अखां मिला नहीं सकदे वो ठीक है सो इस करके वो कृपा करके रैसट करन हुण ते सानू काम कर दे लोगों ने सानू काम करन लई फतवा दिता असीं काम करांगे असीं हस्पतालां दे नां ते वोट मंगी है स्कूलों के नाते वोट मंगी है बिजली के बिल जीरो के नाते वोट मंगी है असी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते वोट मंगी है असी व्यापार होर बढ़ाने के नाते वोट मंगी है असी मजदूरों उन्होंने जीवन पद्धर उच्चा चकन वास्ते वोट मंगी है असी किसानों के फसलों बचाने वास्ते उन्होंने चंगे भाव दवाने वास्ते वोट मंगी है तो लोगों ने वोट पाई है उन्होंने जात पात के बरादरी के आधार से वोट मंगी है असी इन्हों की कट्टर पार्टियां असी आ बरादरी की कट्टर पार्टियां लोगों ने छोड़ो जी साढ़े को हैगी पार्टी जी सारे की पार्टी हूँ आपस वोटा हो जोड़ी जाते हैं जी एदियाँ भी जोड़ लिए एदियाँ भी जोड़ लिए फिर लंघ सकते हैं आप अगे जोड़ लो सारे जोड़ लो वो असल चलती कुर्सी दोटा जोड़ रहे हैं असी पंजाब की तरक्की दोटा सो सुशील रिंकू जी ने मैं बधाई भी दिना जिम्मेवारी का भी एहसास करा कि जलंधर का MP होना और कला MP होना देश के आम आदमी पार्टी का तो लोगों की उम्मीदा बहुत बढ़ जाए क्योंकि वह सीट जी बैठन मैं छड़ के आया कला मैं होंदा सी उत्थे तो फिर वो उम्मीदा लोग रखे कि पंजाब के मुद्दे उठाओ सारे दे सो मैं उम्मीद है बाकी असी क्योंकि एक्सपीरियंस है साढ़े को तजर्बा है असं इन्हों दसते भी रहेंगे किमें MP लैट जलंधर तो इस गलों बहुत जलंधर वाले तो जोड़े ने उन्होंने मैं बधाई दिना कि 4 MP जलंधर के हो गए सुशील रिंकू लोग सभा मित्तल साहब राज्यसभा सीचेवाल साहब राज्यसभा हरभजन सिंह भज्जी राज्यसभा 4 MP कल जलंधर इलाके 20 करोड़ रुपये तो सीधा एक साल का MP लैट ही बनता ला लिया जाए तो लोगों की सारी समस्या बाकी सरकार नाल खड़ी असी करें काम साडा फर्ज बनता सो स्मार्ट सिटी बनाउणा है केंद्र तो होर भी पैसा लेके आना है वो सारा असी बिल्कुल गाइड करांगे हालांकि पहली बार मैंबर पार्लीमेंट बने ने पर जदों जाके उत्थे बोलणगे तो जदों इत्थे उन्होंने MP लैट का पैसा जिहा खर्च होण लगेगा उदों तुहानू जां जलंधर के लोगों नू अहसास नहीं होगा कि पहली बार बने ने सो तजर्बा जिहड़ा असी अपना नाल देवांगे इहनां नूं ते अज दे इस कैबिनेट तो बाद हुण सरकार तुहाडे द्वार नाल दा जिहड़ा शिकायतां जां सुझाव सुणन दा जिहड़ा उहदा शुरू नहीं अजे बारे कोई गल नहीं हुई असी इहनूं पहला 31 मार्च तक सी फिर उहनूं मई तक वधाया नहीं अप्रैल तक वधाया फिर मई 15 तक कीता सो बहुत सारियां रिश्तियां हुई बहुत सारे क्योंकि किसानों ने कहा कि साडी जिहड़ी फसल खत्म होने तो बाद साडी रिश्ते होंदे इस करके मई तक करता नहीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी आऊगी
अर्बन डिवेलपमेंट के बहुत सारे काम जिहड़े आने वाले दिनों तुहानू दस्सांगे। और एक तो असीं करदा कि जिहड़ा इंडस्ट्री वास्ते ग्रीन कलर का स्टैंप पेपर हरे रंग का स्टाम लो सारिया उहदे विच जिहड़ियां एनओसीज जां उहदे जिहड़े चार्जेस ने वो शामिल होणगे तां दफ्तरां दीआं खजलखुआरियां घटणगीआं। यही चीज़ असीं फिर हाउसिंग ते भी लैके आवांगे हुण ताकि इलीगल कलोनियां बनण वाला जिहड़ा मुद्दा सी बहुत वड्डा वह भी असीं करांगे। जे असीं हुण कलर कोडिंग कर देंगे कि जिन्हें कलोनी कटनी है वो इस रंग का स्टाम्प पेपर लगेगा वो तो रजिस्ट्री कराऊगा, तो फिर जिहड़े जिहड़े लोगों ने उहदी कलोनी दे विच प्लाट लैने ने 100 गज का लैना 150 गज का 200 गज का वो कृपा करके उन्होंने बेनती करांगे कृपा करके प्रॉपर्टी डीलर ज मालिक जो सीधा प्लाट ले रहे हो तो रजिस्ट्री जरूर देखो किहड़े रंग की है। जे वह किसी होर रंग की है जिहड़ी कि हाउसिंग लई रंग जिहड़ा प्रवानित नहीं है यह मतलब इलीगल है तुसीं उत्थे प्लाट ना लो। सो इत्थों ही स्यापा शुरुआत तो ही खत्म हो जाऊगा, नहीं तो की करते हैं कट के कलोनियां वेच के आप भज जाते हैं गवर्नमेंट के जोड़े गल पै जाते हैं सारा कुछ उसे सीवरेज बिजली सारा कुछ उसे प्रबंध करना। हाँ जी वह कोर्ट के मामला सब जुड़ी सर जी उदू पहला इन्होंने फिर बसा आपदी करवा लिया सी ठीक है ना पहला नहीं तो मोहाली खड़ी सी पेट्रोल पंप से थ्री वीच है तुम जाके आयो जरूर जाके आयो उत्थे। इस करके पी आर टी सी का मैं कल ही एक बस स्टैंड का उद्घाटन किया पी आर टी सी जी है वह एक साल के प्रॉफिट च आ गई पी आर टी सी नवी इलैक्ट्रिक वहीकल पी आर टी सी वास्ते खरीदा पी आर टी सी अपडेट करा जो पहला इमेज से ना आ गई रोडवेज की लारी ना कोई बूहा ना कोई बारी वो जोड़ा इमेज तोड़ देंगे रोडवेज की लारी जी है वो इन्नी शानदार होगी कि तुसी कहोगे कि हाँ है और नवे रूट कटे जाएंगे और जिन्होंने 30-30 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर करके रूट बधाए ने पंजाब के एक कोने तो दूजे कोने तक उन्होंने सारे बारे मैंने टिप्स से पता है बड़ी जल्दी तुहाडा सवाल खत्म हो जाऊगा। आवे आने सारे शहरों से भी आनगियां शटल बसिस तो रोडवेज भी इलैक्ट्रिक बस देखो धरती विचले पानी वास्ते बचाने वास्ते सरकार बहुत ज़्यादा सीरीयस असी ड्यूरिंग इलैक्शन भी मैं सिंबली पिंड है शायद उत्थे मैं एक रेगुलेटर का उद्घाटन करके आया चिट्टी बेई दे विच पानी छड्या जाऊगा और सारा साल चिट्टी बेई दे विच पानी चिट्टी बेई सारे दुआबे विच दी लगदी है काली बेई ते सिचवाल साहब काम कर रहे हैं। असी अनाउंस करता कि जिथे पुरानियां कस्सियां पुराने खाल पुराने चोए सी रिवाइव करांगे जीवित करांगे जिहड़ियां पाइपलाइनस थले नीचे दबणियां ने उहदे विच इक सीगा कि 10% पंचायत ने देना। कई बार की हुंदा 2 करोड़ का बन गया एसटीमेट पंचायत को 20 लाख है नहीं पंचायत को प्रॉपर्टी नहीं कोई तो उस पिंड पैंदा नहीं सी असी उन्हों बदल के करता कि कोई गल नहीं तुसी जगह दसो कि पिंड से तुसी अंडरग्राउंड पाइपलाइन पवानी है सारा पैसा जिहड़ा जे 10% वो भी गवर्नमेंट देगी पंजाब गवर्नमेंट पंजाब दीआं नहरां दा पानी असी पंजाब दे हर संभव खेतां दे कन्नी वाले क्यारे तक भी पहुँचावांगे। तुसी परसों दी एक वीडियो देखी होनी अबोर दा बंदा एक कह रहा कि 20 साल हो गए जी पहली बार पनीरी नहर दे पानी नाल बीज रहे हैं 20 साल का मतलब वो की कह गया जी इहदा मतलब सारियां सरकारां नूं कह गया कि तुसी कदे नहीं कुछ कीता पंजाब दा नहरां दा पानी कन्नी वाले क्यारां तक जाऊगा। बिजली वास्ते भी साढ़े कोल 42-43 दिन का कोला स्टॉक च पिया असी ये कहा सेंटर नूं कि सानू कोला जिहड़ा वो प्राइवेट थर्मल प्लांटां नूं दे लैण दो असी सस्ता देवांगे तो बिजली सस्ती ले लेंगे उन्हां तों वो भी मैनूं लगदा आ जाऊगा पॉजिटिव ने। वो झोने के सीजन में 4 भागों में वंडता असी जारी करता कि 10 जून तो तार के परले पासे 16 जून तो 7 जिले 19 जून तो आ 7 जिले 21 जून तो आ 9 जिले सारे उस हिसाब से बिजली देवे बड़ी वधिया प्लैनिंग चल रहे जी और लोग इनू मंजूर भी कर सब तो वड्डी गल ये है कि लोगों ने मैनू सहमति दी है असी 2 सरकार किसान मिलनी कीतियां एक दे विच 14,000 बंदे आए एक दे विच 17,000 आए किसान सरकार मिलनी असी लोगों तो पुछते हैं स्टेक होल्डर तो पुछते हैं कि दसो की प्रॉब्लम है 4 घंटे बिजली दे रहे अज भी चारे वास्ते सब्जियां वास्ते तो जी बीजन के हम पनीरी साढ़े मालवे उन्होंने पौध कह देंगे पर वो 4 घंटे किड़े होने चाहिए कितने 5 बजे तो 9 बजे तक सवेरे कितने शाम को सो वो डिक्लेयर होगा सारा ताकि उन्होंने कोई ना लगे कि यार बिजली आ गई अपन जा नहीं सके खेत असी एक एक बिजली का यूनिट तो एक एक पानी की बूंद को जोड़ के चल रहे हैं। जे असी खेत के मैं मेरे सिक्योरिटी के एक मुंडा है वह पिंड है सरदूलगढ़ के नेड़े उन्हें मैंने ये दसिया कहिंदे जी वो नरमा बीजते हैं कहिंदे जी पहली बार हो रहा है कि साडे कोल 2 ऑप्शन ने कि असी अपने नरमे नूं पानी ट्यूबवैल नाल लाइए मोटर नाल जां फिर कस्सी वाले पानी नाल क्योंकि बिजली भी हैगी उधर तो इधरों पानी भी हैगा। फिर मैं कहिंदा मैं पुछिया कि तुसीं की चुणिया कहिंदे असीं चुणिया कि असीं कस्सी वाले पानी नाल लावांगे
क्योंकि बिजली भी उधरों बचूगी, धरती चो पानी बचूगा। जो आम लोग ऐसे सोचने लगे कि धरती चो असं जो कढ़ रहे हैं वो चांदी है, जिहड़ा चांदी रंगा पानी कढ़ रहे हैं चांदी है वो। सो इस करके असं तो पानी एक्सपोर्ट करी गए कंट्री नूं, सो साडा पानी खत्म करके रखता उन्होंने। आने वाले दिन बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो 50 सरकार के मुनाफे बारे सोचने लिए स्पोर्ट्स की जो तक संबंध, मैं खुद बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हाँ। पंजाब स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करता रहा। पिछले दिनों साडे जिहड़े प्लेयर सीगे हरियाणा का हिस्सा लेंदे रहे क्योंकि उत्थे कुछ मिल जाता सी बाद च, पर असीं हुण शुरू किया पंजाब च। नैशनल गेम्स के जिहड़े पार्टीसपेट कर पार्टीसपेंट सीगे, सोने के मैडल वाले 5 लाख, फिर 3 लाख, 2 लाख इदां मैडल वाइज, फिर कॉमनवैल्थ वाले, फिर इंटरनेशनल वाले, फिर हॉकी की टीम। यह नहीं है कि हॉकी की टीम कल तुम 4 लाख दोगे जो सिल्वर जितया, कल कल प्लेयर में 4 लाख देने। असं एप्रीशिएट कर रहे हैं उन्होंने कि जितो होर जितो। खेडा वतन पंजाब दियां कराया कामयाब, इतों शुरुआत की सी, बहुत कामयाब। पिंडा च जिहड़ियां खेडां भुल गए लोग, खो खो, गोला सुट्टना, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, जलंधर हब है इतों दियां बनिया हुई बॉलों नाल वर्ल्ड कप खेडे जाते हैं, इतों के बने हुए बैट्स नाल वर्ल्ड कप खेडे जाते हैं। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री नूं रिवाइव करना साडा फर्ज है। सियालकोट तो असल च आए सी सारे जिहड़े ज़्यादातर, तो सियालकोट भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है पाकिस्तान च, पर उत्थे पोलीटिकल स्टेबिलिटी है नहीं। सो इस करके असी हुण इस गल वल हैगे कि नैशनल लैवल ते इंटरनेशनल लैवल ते साडी जलंधर दी जिहड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उहनूं रिकोगनाइज़ किया जाए, ते असी इह करांगे। बाकी कोई भी बस ड्राइवर कनैक्टर वल्लों नहीं खड़ूगी, असी अपडेट करांगे पहलां बसां नूं जिहड़ियां खराब भी हो गईआं जां कबाड़ा बन गया उहनां नूं कि किवें ना किवें डिमोलिश करके नवीं लेटेस्ट मॉडल दियाँ इलैक्ट्रिक व्हीकल। असं देखो जी, जदों भी कोर्ट ने सानू कहा असी लिफाफे खोले जिदे जिदे नाम से जनतक किए उन्होंने प्रॉपर्टी अटैच की, उन्होंने फड़न की जी कवायद शुरू करती। एक तो पहली जेल से इंद्रजीत सिंह राजीव, वो वास्ते हर रोज़ असी जेड़े है, हालांकि बहुत सीक्रेट है, मैं दस नहीं ज़्यादा बेरवे नहीं दसता, हर रोज़ छापेबाज रहे कितने कितने। सो इस तरह के सवाल तुम एक महीना अमृतपाल बारे भी करते रहो, काले ना हो जिहदा नाम आ गया वो फड़िया जाऊगा, जिन्हें पंजाब की जवानी नशे के गालन जिन्हें चिट्टे नाल चिट्टे सत्थर बिछाए लोगों के घर, साड़ियां लखां मावां भैणां दियां चुनियां के रंगले रंग चिट्टे किए, वह बख्शा जाऊगा। भावें वह किसी द्वारा लिया गया नशा बेचता सी, भावें आप बेचता सी, भावें किसी का काम करता सी, मैटर नहीं करता। मैटर यह करता कि जे वो इनवॉल्व सी किसी किस्म के कोरियर के लैवल तक भी, तो भी असं उन्होंने नहीं बख्शा, जल्दी गिरफ्तारी हो जाऊगी। साडे वल्लों कोई इस तरह का कोई माफिया जां कोई पक्षपात नहीं कि इहनूं आपां छड्ड दईए, इहनूं कर लईए। पुरानियां सरकारां दे जिहड़े उन्होंने हुण तक फोटो आई जांदियां ने, बड़े बड़े गैंगस्टर उन्होंने दी फोटो आई जांदियां ने। सो उन्होंने पुश्त पनाही की सी इस गौरमेंट च, किसी भी गैंगस्टर नूं जां समगलर नूं कोई पोलीटिकल असाइलम जां कोई पोलीटिकल पुश्त पनाही नहीं मिलदी। थैंक यू।